देखिए यहाँ पे बैंक तो मर्ज हो चुका है, मैं पहले काफ़ी सारे वीडियो में बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं जो भी मुझे कमेंट आता है उसको पिकअप करके मैं काफ़ी सारे सोल्यूशन आपको यहाँ पे बताता हूँ। और आज के वीडियो में बात करेंगे यूपीआई पेमेंट फेल्ड के बारे में, और कभी के कभी मतलब क्या होता है कि हम किसी को पेमेंट करते हैं बैलेंस चेक करते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल्स वीडियो बना चुका हूँ, सोल्यूशन भी लाइव आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। बट पेटीएम के बारे में मैं नहीं बताया था, आज आप पेटीएम के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे आप सब जानते हो कि बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं बेसिकली जिनका अकाउंट सिंडिकेट बैंक के है, और देना बैंक के है, विजय बैंक के है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है। ये जो मतलब यूजर्स है ना, उनका अभी क्या है कि मतलब फ़ोन मतलब पेटीएम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, इवन कि हम बैलेंस भी चेक करते हैं तो वहाँ पे भी फेल्ड हो रहा है, और किसी को अगर हम पेमेंट करते हैं वहाँ पे भी फेल हो रहा है। एक्चुअली क्या है मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस टाइप का बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो मैं हमेशा आपके लिए बनाता हूँ, तो काइंडली इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे इस टाइप का बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो भी आपको मिलता रहेगा। देखिए आपको यहाँ पे मैं पहले से ही बता चुका हूँ, अभी क्या है कि बैंक मर्ज हो चुका है, सभी बैंक मर्ज हुआ नहीं है, जो बैंक मर्ज हुआ है मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे सिंडिकेट बैंक मर्ज हुआ है, इलाहाबाद बैंक मर्ज हुआ है, और यहाँ पे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये यूको बैंक, देना बैंक, विजय बैंक, ये सब बैंक मर्ज हुआ है। और इस बैंक के अगर आप यूजर्स हो तो डेफिनेटली आपका अभी यूपीआई पेमेंट काम नहीं करेगा, बिकॉज देखिए यहाँ पे आईएफएससी कोड पूरा चेंज हो चुका है, अकाउंट नंबर वही सेम रहेगा बट यहाँ पे आईएफएससी कोड पूरा चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए जब भी हम कोई यूपीआई पेमेंट ओपन करते हैं, चाहे वो फ़ोनपे हो, गूगल पे हो या पेटीएम हो, तो वहाँ पर एक बैंक का सिलेक्ट ऑप्शन है, तो बैंक का सिलेक्ट ऑप्शन आपका पहले वो पुराना था, अभी मर्ज हो चुका है, तो आपको सिलेक्ट ऑप्शन में जो बैंक के साथ मर्ज हुआ है वो बैंक का अभी ऐड करना है। अगर वहाँ पे आईएफएससी कोड मांगता है तो आपका जिस बैंक के साथ मर्ज हुआ है वो बैंक का आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे देना होगा। दो चीज़ आपको यहाँ पे करना होगा, फर्स्ट चीज़ आपको यहाँ पे बैंक चेंज करना है। जैसे इवन मैं आपको एक एग्जांपल में बताता हूँ, जैसे कि सिंडिकेट बैंक अभी मर्ज हुआ है कैनरा बैंक के साथ, तो बैंक सिलेक्ट में अभी कैनरा बैंक को सिलेक्ट करना है और आईएफएससी कोड कैनरा बैंक का देना होगा, क्योंकि पहले वो पुराना था अभी चेंज हो चुका है। ये सेटिंग करने के बाद ही आपका जो यूपीआई पेमेंट है वो पूरी तरह से काम करेगा, जब तक चेंज नहीं करते हो काम नहीं करेगा। बट कभी को मतलब काफ़ी सारे यूजर्स का काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे यूजर्स का इवन काम नहीं कर रहे बिकॉज ये प्रॉब्लम वजह से, तो आपको यहाँ पे चेंजेस करना है। चेंजेस करने के बाद आपका पूरी तरह से सोल्यूशन हो जाएगा। तो एक शॉर्ट अपडेट था, आई होप ये यूजफुल लगा, तो एक कर देना, तो लाइक कर देना, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट।